13 अगस्त को होने वाले कौमी असम्बली के हर्फ अरकीन असम्बली के हल्फ उठाने की तकरीब के दौरान इंतहाई अहम वाक़ा रोनुमा हुआ है। इमरान ख़ान ने आसिफ अली जरदारी से बिलाआख़िर हाथ मिला लिया है। इस खबर को सियासी तनाजर में बहुत मायने खेज अंदाज में देखा जा रहा है। क्या इसका मतलब ये है कि अब आसिफ अली जरदारी और इमरान ख़ान भाई भाई कहलाएंगे, और सबसे बड़ी बीमारी आसिफ अली जरदारी का जो नारा लगा था, क्या उससे पीटीआई दस्तबरदार हो जाएगी? क्या इसका ये भी मतलब लिया जा सकता है कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी आपस में मिलकर एक दूसरे को मजबूत करेंगे, और नून लीग और पीपल्स पार्टी जो अपोजिशन जमातें हैं उनका इत्तेहाद आपस में टूट जाएगा? ये वो सवालात हैं जो एक आम जहन में उठ रहे हैं, और इलेक्शन से पहले मुख्तलिफ किस्म की बातें सामने आती रही हैं। ये बात भी सामने आई है कि इमरान ख़ान से जब भी आसिफ अली जरदारी से तआवुन या इत्तेहाद की बात की गई तो उनका कहना हमेशा यही था कि अगर आसिफ अली जरदारी या नून लीग से मैं मिल जाऊं तो मेरी 22 साल की जो सियासी स्ट्रगल है वो ख़त्म हो जाएगी और उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से इस तस्वीर में अगर आप गौर करें, आसिफ अली जरदारी वाज़े अंदाज़ में मुस्कुराते हुए नज़र आ रहे हैं और बड़े मायने खेज़ अंदाज़ में मुस्कुरा रहे हैं, जबकि इमरान ख़ान जो हैं वो कुछ उस अंदाज़ से नहीं खुशी का इजहार कर पा रहे। तो ये बातें काफ़ी मायने खेज़ नज़र आ रही हैं कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान की सियासत और पार्लियामेंट की सियासत किस तरफ जाएगी। आप अपनी राय इस पर ज़रूर दें। बहुत बड़ी न्यूज़ है, बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू है पाकिस्तान की तारीख में, और अपने कमेंट्स और अपनी राय से हमें आगाह करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।